हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का रियलमी 8 डिवाइस है तो दोस्तों फाइनली आपके रियलमी 8 डिवाइस में रियलमी UI 3.0 का अपडेट जो कि एंड्रॉयड 12 बेस अपडेट फाइनली देखेंगे, कल से रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों ओपन बीटा में देखेंगे आपको यहाँ पे C.04 का अपडेट जो कि सभी यूजर्स के लिए देखेंगे रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको रियलमी UI 3.0 बेस्ड एंड एंड्रॉयड 12 बेस्ड काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं। गेमर्स के लिए देखेंगे आपको लेटेस्ट न्यू गेम स्पेस का भी फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको ऑफिशियली वॉइस चेंजर का फीचर मिल जाता है। लाइव आप यहाँ पे देखेंगे CPU, उसके बाद देखेंगे GPU चेकआउट कर सकते हैं, FPS भी चेक कर सकते हैं। सो फाइनली गेमर्स के लिए देखेंगे आपको कम्प्लीटली लेटेस्ट न्यू यहाँ पे गेम स्पेस का फीचर मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियलमी 8 डिवाइस में देखेंगे आपको फाइनली रियलमी UI 3.0 जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ फाइनली ओपन बीटा में सभी यूजर्स के लिए जो अपडेट है रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। एंड मैंने अपने फोन में देखेंगे यहाँ पे फाइनली C.04 का जो रियलमी UI का अपडेट है सक्सेसफुल इंस्टॉल करके रखा है। एंड दोस्तों इस रियलमी UI 3.0 एंड्रॉइड 12 के बाद आपकी रियलमी 8 डिवाइस में यार काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जिसका मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पे चेकआउट करके देख सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट करके चेकआउट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस अपडेट के बाद गेमर्स के लिए देखेंगे जो गेम स्पेस है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, उसका जो एनिमेशन है, उसका जो यूजर इंटरफेस है वो भी चेंज हो चुका है। एंड अगर आपको यहाँ पर एक्सप्लोर है, उसके बाद गेम्स में कुछ गेम्स वगैरह ऐड करना है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। गेम्स ऐड करने के साथ साथ उसका जो लेआउट है अगर कोई चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए किसी भी गेम्स को यहाँ पर लॉन्च करेंगे। वैसे दोस्तों फ्री फायर है, BGMI या फिर जो PUBG जैसे गेम्स है, सारे गेम्स में देखेंगे आपको जो वॉइस चेंजर का फीचर है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो किसी भी गेम्स को देखेंगे यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, गेम्स का जो स्वाइप बार उसको स्वाइप करना है। एंड स्वाइप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको परफॉर्मेंस मोड भी मिल जाता है, जिसमें आपको गेमिंग मोड है, बैलेंस मोड है एंड लो पावर मोड भी मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों सिस्टम का जो स्टेटस है वो भी इनेबल करके रख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। इसमें हम लाइव यहाँ पे FPS मीटर चेक कर सकते हैं, GPU कितना है, CPU कितना है, सब कुछ यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों आपका मोस्ट अवेटेड फीचर जो कि वॉइस चेंजर का फीचर वो भी आपको मिल जाता है एंड परफेक्टली इस अपडेट के बाद वर्क भी करता है। वॉइस चेंजर को इनेबल करने के बाद ऊपर आपको सेटिंग आइकॉन मिल जाता है, तो सेटिंग आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, हाई वॉल्यूम वॉइस एंड डीप क्लियरिटी वॉइस। उसके बाद देखेंगे आपको वॉइस की जो फीडबैक है वो भी सेंड कर सकते हैं। एंड दोस्तों वॉइस चेंजर में देखेंगे फिलहाल के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 5 प्रीसेट्स मिल जाते हैं। एंड इन्हीं 5 प्रीसेट में देखेंगे आपको जिस प्रीसेट में वॉइस को चेंज करना है तो लाइव गेम खेलते वक्त वॉइस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे मेंस वुमेन्स है, उसके बाद देखेंगे गियंट है, उसके बाद रोबोट्स है, उसके बाद एलियन से, ऐसे 5 आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रीसेट मिल जाते हैं। तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों ग्राफिक्स में क्या कुछ चेंजेस मिला है वो भी हम चेक करने वाले हैं, जैसे कि एक्सट्रीम का आपको ग्राफिक्स मिला है कि नहीं मिला है। सो मेरे हिसाब से देखेंगे जो ग्राफिक्स एज इट इज है सेम टू सेम है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे कि स्मूथ में देखेंगे हम यहाँ पे अल्ट्रा तक गेमिंग कर सकते हैं, उसके बाद बैलेंस में भी देखेंगे अल्ट्रा तक गेमिंग कर सकते हैं एंड HD में देखेंगे हाई ग्राफिक्स तक गेमिंग कर सकते हैं। वैसे HDR का फीचर आपको पहले से भी नहीं था, मतलब कि HDR का जो ग्राफिक्स है पहले से ही नहीं था। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऑडियो ग्राफिक्स के बारे में। सो ऑडियो का जो ग्राफिक्स है वो भी आपको एज इट इज मिल जाता है, मतलब कि HD ऑडियो का ग्राफिक्स है, अल्ट्रा तक आपको सपोर्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। बट दोस्तों रियलमी UI 3.0 एंड्रॉइड 12 के बाद आपको जो गेमर्स का एक्सपीरियंस है काफी बेटर मिल जाता है। लेटेस्ट न्यू आपको गेम स्पेस का तो फीचर मिल जाता है, साथ ही साथ आपको लाइव FPS का भी यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट भी मिल जाता है एंड मोस्ट अवेटेड आपको वॉइस चेंजर का भी फीचर मिल जाता है। सो ये जो फीचर है ऑफिशियली आपके फोन में मिल चुका है, कोई भी आपको ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है एंड परफेक्टली देखेंगे आपको गेम खेलते वक्त ये जो वॉइस चेंजर का फीचर है परफेक्टली वर्क करता है। सो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप में से कितने सारे लोगों ने इस वॉइस चेंजर फीचर को इस्तेमाल किया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।